आपका स्वागत है आर्डिगन कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जैन शैली की विशेषताएं और जैन शैली के प्रमुख ग्रंथ के बारे में विधिवत जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जैन शैली की विशेषताएं क्या हैं। तो जैन शैली यानी पोथी चित्रों में अन्य मध्यकालीन चित्रों की अपेक्षा गिरावट आई। जैन शैली का प्रारंभ श्वेतांबर विचारधारा द्वारा हुआ। अधिकार चित्रित पोथियाँ भी इसी शाखा के साहित्य से संबंधित हैं। चित्रों में लाल रंग, पीला रंग, इसकी मिश्रित रंगते अधिक प्रयोग में लाई गई हैं। साथ ही नीले व काले रंग का प्रयोग भी किया गया है। पृष्ठभूमि इसकी कैसी रही? तो पृष्ठभूमि हमेशा लाल रही है। जैन शैली में जैन शैली की पृष्ठभूमि लाल रही है, ध्यान दीजिएगा। 14वीं शताब्दी में स्वर्ण रजत रंगों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा। ध्यान दीजिएगा कि पूछता है स्वर्ण रंगों का, जैन शैली में स्वर्ण रंगों का प्रचलन कब बढ़ा? तो 14वीं शताब्दी में स्वर्ण रजत रंगों का प्रचलन बढ़ा। अब पीले रंग के स्थान पर सोने को पीसकर तैयार किए जाने वाले रंगों का प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है। और सभी मानव आकृतियाँ सवा चश्म मुद्रा में बनाई गई। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जैन शैली में कितने चश्म चेहरे हैं? तो सवा चश्म चेहरे हैं। सवा चश्म का चेहरे का क्या मतलब है कि चश्म, चश्म माने होता है आँख। तो एक आँख तो दिखाई देती है, लेकिन उससे दूसरी वाली आँख थोड़ा और थोड़ा सा दूसरी वाली भी आँख दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं सवा चश्म चेहरे। 11वीं शताब्दी में उड़ीसा में चित्रित निशित चूर्णी जैनों की सबसे प्राचीन चित्रित पोथी मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि 11वीं शताब्दी में निशित चूर्णी चित्रित की गई थी, जो जैन शैली का सबसे पहला सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है। एक बार विधिवत फिर से देखते हैं कि चित्रों के विषय वस्तु मुख्य रूप से भगवान महावीर के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं से संबंधित रही हैं। जैन शैली की विशेषताएं मैं बता रहा हूँ। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों आधारित पोथियाँ बनाई गई हैं, जिसमें तीर्थंकरों का चित्रण महत्वपूर्ण हुआ है। मुद्राएं अस्वाभाविक जकड़न प्रतीत होते हुए दिखाई गए हैं। अनुपात भी नहीं है। कंधे अधिक चौड़े बनाए गए हैं और उनके पेट पतले छीण बनाए गए हैं। चित्र के संयोजन में एक दो आकृतियों का ही अधिकतर प्रयोग किया गया है। कलाकार ने भीड़ भाड़ वाले दृश्यों से बचने की कोशिश की है। जैन शैली में चित्रों में क्षितिज रेखा का अंकन ना करके बराबर हुआ है, यानी बहुत कम हुआ है। और प्राथमिक रंग योजना को कलाकार ने अपनाया है। गहरी पृष्ठभूमि छाया प्रकाश की सहायता से चित्रों को दर्शाने का प्रयास किया है। चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी पतली कलम से रेखांकन किया गया है। और पुरुषों की वेशभूषा के बारे में बात करें तो जैन शैली में पुरुषों की वेशभूषा में दुपट्टा धोती का अधिकतर प्रयोग किया गया है, तथा स्त्रियों की कसी हुई अंगिया धोती पहने हुए चित्रित किया गया है, जिसमें से गुजराती पटोला के मोटे अलंकरण में छपे गए हैं, ठीक है। जैन शैली में सभी विशेषताएं अपभ्रंश चित्र शैली वाली दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जैन चित्र शैली को लोक कला की सादगी, सामाजिक यथार्थ तत्परता व सीमित कल्पना शक्ति जैसी प्रवृत्तियां, ताड़पत्री ग्रंथ चित्र तथा काष्ठ कला का प्रभाव वाली विशेषताएं इस शैली को महत्वपूर्ण बनाती हैं। और जैन शैली के चित्रों को समझने के लिए हमें जैन धर्म के विषय में जानना आवश्यक है, तो उसको हम बाद में देखते हैं, अभी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जैन शैली की ये एक चित्र है जो कि इसका नाम है कामदेव रति रहस्य, ठीक है। अब इसमें जैन शैली के प्रमुख ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं कि कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, सिद्ध हेम व्याकरण, नेमिनाथ चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, भगवती सूत्र, उत्तराध्यान सूत्र, संग्रहणी सूत्र, ये सभी जैन शैली के प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की अनेक स्थानों पर अनेक प्रतियां चित्रित हुई, किंतु 1467 असली में जौनपुर में चित्रित कल्पसूत्र वाली प्रति सबसे प्रमुख मानी जाती है, यानी जौनपुर में जो प्राप्त हुई है कल्पसूत्र वाली प्रति, ठीक है, वह सबसे प्रमुख है। और कल्पसूत्र पर आधारित कालकाचार्य कथा सभी जैन तीर्थंकरों के चित्र अंकित हैं
अन्य एजेंसियों में वीर सेन की धवल, महादेवन कीटी का 10वीं का लीक लघुवृत्त भूमिका या प्रमुख है। बड़ौदा के जैन ग्रंथ भंडार में 16 देवियों तथा 26 जनों के चित्र सहित हैं, जिनका चित्रण जैन शैली के अनुसार हुआ है। जैन शैली के सर्वाधिक चित्र अखिया पाटन संग्रहालय अहमदाबाद, खंभा संग्रहालय गुजरात में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त बोस्टन संग्रहालय अमेरिका एवं देश विदेश के संग्रहालय में संग्रहित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही दूंगा और आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। तब तक के लिए हमारे वीडियो पे ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।